अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन ने गिरामी क्रिकेट शायक के साथ बड़ी अपडेट शेयर करते चले कि बाबर आजम के लिए आईपीएल के किंग और बॉलीवुड के सुपरस्टार हीरो शाहरुख खान और प्रीति जिंटा ने दे दिया एक अहम बयान, जिसे सुनकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सर फख्र से बुलंद कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सीना चौड़ा कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, प्रीति जिंटा ने कहा है कि बीसीसीआई को एक बहुत बड़ी दरख्वास्त दे दी है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईपीएल खेलने की इजाज़त दे दी जाए, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को के कप्तान बाबर आजम को इंडिया में खूब पज़राई मिले और इंडिया में उनको खेलता देखकर सब लोग परजोश हो रहे हैं, जिसकी वजह से सब टीमें आईपीएल की सब टीमें ये देखना चाहती हैं कि बाबर आजम इंडिया में आईपीएल खेले, जिसकी वजह से शाहरुख खान और प्रीति जिंटा ने अपनी अपनी टीमों में सट्टेबाजी लगाना शुरू कर दिए। शाहरुख खान कहता है अगर बीसीसीआई ये मौका फ्राहम करती है तो बाबर आजम कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलेंगे, जबकि प्रीति जिंटा कहती है अगर बीसीसीआई ने हिम्मत हार कर कुछ किया तो वो किंग एलेवन पंजाब की तरफ से बाबर आजम को लेना पसंद करेंगी। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़, इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ नस, और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी ख्वाहिश राय इजहार ज़रूर कीजिए, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को आईपीएल खेलनी चाहिए या नहीं, क्या बाबर आजम को आईपीएल में शामिल कर देना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी ख़ास राय का इजहार ज़रूर कीजिए।